माननीय जिलाधिकारी महोदय, माननीय एसपी साहब और नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष साहब के हाथों द्वारा अभी अभी नगर निज आदिपुरा चौक से रवाना की जाएगी। स्वच्छ भारत अभियान के विषय में आज सरकार भाग ले रहा है। अपने साथ को प्रथम स्थान दिलाने में नगरपालिका परिषद का सहयोग करें, जागरूक साफ सुथरा रखें, अपने मकान अपने दुकान के सामने पूरा देते हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है सबसे तेज न्यूज में। और हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में, जहां पर स्वच्छता के लिए रैली निकाली जा रही है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 को लेकर यहां पर रैली निकाली जा रही है, जागरूकता रैली निकाली जा रही है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहां पर अमृत पब्लिक स्कूल के बच्चे शामिल हैं इस रैली में। तो रैली निकाली जा रही है जिसमें विभिन्न स्कूलों के बच्चे भाग शामिल हैं। और आप देख सकते हैं किस प्रकार से इन्होंने बीमारियों को दूर भगाना है सहित विभिन्न स्लोगन लिखे हुए हैं। छात्राएं शामिल हैं इस रैली में। और किस तरह से यहां पर पूरे शहर के जो स्कूल हैं उसके जो बच्चे हैं वो शामिल हैं, ये अमृत पब्लिक स्कूल के बच्चे, इसके पीछे तालीमुद्दीन इंटर कॉलेज के, उसके बाद डीएवी इंटर कॉलेज के सहित तमाम बच्चे जो हैं इस जो रैली है उसमें भाग ले रहे हैं। आपको बता दें कि जिलाधिकारी प्रकाश बिंदु और एसपी ललित कुमार सिंह तैयबपाल की नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा रैली को हरी झंडी दिखाकर नगर के मिर्जाहादीपुरा से इसको रवाना किया गया, जो शहर के विभिन्न इलाकों से होते हुए मुस्लिम इंटर कॉलेज जो सिंधी कॉलोनी पे है वहाँ पर जाकर समाप्त होगी। हाथों में स्लोगन लिए ये बच्चे, किस प्रकार से तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये बच्चे जो हैं वो स्वच्छता रैली में शामिल हैं। आप उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद से ये तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर ये रैली हो रही है। हम सीधे बात करेंगे यहाँ पर जो ईओ हैं नगर पालिका के, उनसे बात करेंगे कि सर किस लिए यह रैली निकाली जा रही है। यह जो है स्वच्छ वार्ड प्रतिस्पर्धा प्रतियोगिता 2018 वार्डों की सफाई के लेकर के माननीय मंत्री जी का निर्देश था शासन का, इसको कराना है। आज शासन से एक अधिकारी आए हुए हैं श्री ललन वर्मा, उनके नेतृत्व में अभी पूरे जिले के हर जगह के ईओ जाएंगे और वहाँ पे इस प्रतिस्पर्धा के बारे में गाइडलाइन जारी करके और बताया जाएगा कैसे कैसे हम लोग करना है मेंबरों के साथ, ताकि हर वार्ड अगर साफ होगा तो हमारा शहर एक बेहतर स्थान पाएगा। नगर पालिका 2019 का जो स्वच्छ सर्वेक्षण होने वाला है जनवरी से, उसकी अब तैयारी है कि शहर के लोगों को प्रत्येक घर तक के बाद पहुँच जाए कि हाँ हम लोग ये काम को कर रहे हैं और हम लोग स्वच्छता के लिए और स्वच्छता वातावरण के लिए जो समितियाँ हैं उसके लिए काम कर रहे हैं और लोग खुले में शौच को बंद करें ताकि शहर की शान आन बान आगे बढ़े। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से नगरपालिका के जो ईओ हैं उन्होंने बताया कि शहर में है जो खुले में शौच ना करें और गंदगी ना करें, इसी को लेकर स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 में जो शुरुआत है उसको लेकर यहां पर रैली निकाली जा रही है। तमाम स्कूल के बच्चे शामिल हैं इसमें, ये तालीमुद्दीन इंटर कॉलेज के बच्चे हैं, इसके पीछे डीएवी इंटर कॉलेज के बच्चे हैं, साथ ही साथ सारे आपको अमृत पब्लिक स्कूल के बच्चे दिखाए, इसके साथ साथ तमाम नगरपालिका कर्मचारी और तमाम शहरी जो हैं वो भी इसमें शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद से आप देख सकते हैं तस्वीरें किस तरह से
हम आपको दिखा रहे हैं। तो अगर मऊ में रहते हैं तो आप भी सफाई पर विशेष ध्यान दें और इस सर्वेक्षण में नगर पालिका का सहयोग करें, ताकि आने वाले दिनों में जो भारतीय सर्वेक्षण है, जो स्वच्छ भारत सर्वेक्षण है, उसमें आपका शहर एक अच्छा मुकाम हासिल करे। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद से सत्यज न्यूज़ की रिपोर्ट आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर जो रैली है उसमें बच्चे शामिल हैं, तमाम बच्चे शामिल हैं, क्योंकि ये जो बच्चे हैं वो रैली में इसलिए शामिल हैं कि आप जागरूक हो सकें और जागरूक करने के लिए बच्चे शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद से आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज़ की रिपोर्ट। वीडियो अगर अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ यूट्यूब कर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।